أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ بتحته القائمون ولا يغصي نقلاه العاقلون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقد موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته فالصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم رحمة وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الذين سورہ 157. بس جو میرے نبی پر ایمان لائے جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی اور جنہوں نے اس نور کی اتباع کی جو میرے نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے اولئک هم المفلحون اور یہی وہ لوگ ہیں هم المفلحون المفلحون ہم نہیں ہے هم المفلحون ہے یہی وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں یہی وہ لوگ یعنی اگر ہم ضمیر منفصل مؤخر ہوتی تو پھر ترجمہ ہوتا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہیں ہم ضمیر منفصل مقدم ہے یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں اور لوگ بھی کامیاب ہیں وہ بھی کامیاب ہے وہ بھی کامیاب ہے اور یہ بھی کامیاب ہے ایسا نہیں ہے بلکہ یہی کامیاب یہ جو یہی ہے یہ کون ہے میں نہیں جا رہا اس بحث میں کہ 73 فرقے ہوں گے اور ایک جنت میں جائے گا 72 دوزخ میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا ایک ناجی ہوگا اور 72 ناری ہوں گے ہم اس بحث میں نہیں جا رہے ہم تو کہہ رہے ہیں تلاش کریں کہ وہ کون لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے کامیاب جو کامیاب ہوں گے وہ وہی ہیں کہ جو اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے جو اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے نبی کے ساتھ نازل ہونے والا نور ہی بتائے گا کہ یہ نبی ہے یعنی وہ وجود ہوگا جو یہ بتائے گا کہ یہ نبی ہے یعنی وہ گواہ رسالت ہوگا یہ ساتھ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ اور جو گواہ ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے جو نبی کی نبوت پہ گواہ ہے وہ نبی کے پیچھے پیچھے ہے یہ کوئی چاند ہے جو سورج کے پیچھے پیچھے ہے یہ کوئی نور ہے جو
इस नूर के साथ यानी सरकार के साथ नाजिल हुआ है। ये कोई नूर है कि जो नबी के साथ नाजिल हुआ है, वो नूर किताबी और तहरीरी शक्ल में नहीं है, बल्कि अल इमाम यक्तदी फी अफआलिही व अक्वालिही। इमाम वो होता है कि जिसके अकवाल में भी, जिसके अकवाल की इख्तदा की जाए और जिसके अफआल की इख्तदा की जाए। तो ये जो इत्तबा है ये अफआल में है, इताअत अकवाल में भी है और अफआल में भी है जी। तो ये कोई ऐसा वजूद है कि जो अमल करके दिखाता है, ये वो है कि जिसकी हकीकत नूर है, जिसका जलवा बशर है, जिसकी हकीकत नूर है, जो नजर आता है बशर, जो हकीकत में नूर है। हम जितने लोग बैठे हैं हम खाकी बशर है और ये घराना नूरी बशर है। खाकी बशर और नूरी बशर का फर्क यही है कि जिसके यहाँ बशरियत है खाक की बुनियाद पर और इनके यहाँ बशरियत है नूर की बुनियाद पर। जब ये असालतन नूर है तो इनका बदन अगर हमारी तरह का है तो वो हमारी तरह का नहीं होगा, यानी हम इनकी बची हुई मट्टी से बनते हैं। अब मट्टी क्या है, वो जिसे कुरान ने, जिसे हदीस ने फाजले तीनत ना कहा, हमारी बची हुई तीनत से। तो हमारी जो तीन है वो तो खाक है, इनकी जो तीन है वो नूर है, यानी हमारी रूहें इनके बदन की बची हुई तीन से बनती है और इनकी जो रूहें हैं वो नूर है, यानी ये नूरी बशर हैं, हम खाकी बशर हैं। मैं इन बच्चों जवानों को एक फार्मूला आज देना चाहूंगा। अहले बैत के खुद नबी मुकर्रम के मौलादी के आइम्मा अहले बैत के फजाइल सुनकर बाज लोगों को उलझन होती है, हजम नहीं होता, समझ नहीं पाते ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, गहवारे में बात कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, माँ के शिकम में बात कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, दुनिया में आने से पहले कुरान पढ़ लिया था, ये कैसे हो सकता है कि अभी दुनिया में आए नहीं थे कि ये फकीह थे, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये बहुत सारी चीजें बात फजाइल सुनने के, जिनको ये सवाल आता है ना ये कैसे हो सकता है, वो वही लोग हैं कि जो जिन्होंने खाकी बशर समझ लिया है। लेकिन जो ये मान ले कि ये खाकी बशर नहीं है, ये नूरी बशर है, तो फिर ये उलझन ही दूर हो जाएगी कि ये कैसे हो सकता है। ये तो होगा ना, फिर यही होगा ना कि ये नूरी बशर है। देखिए आइम्मा अहले बैत का एक पहलू, यानी अहले बैत का, खुद नबी का सबसे पहले और फिर सरकार की औलाद का, सरकार के घराने का, एक जंबा है नूर, एक जंबा है उनका बशर होना। बशर होना हमारी जरूरत थी, उनकी नहीं थी, हमारी मजबूरी थी कि कोई हो जो हमारे पैकर में, हमारे हुलिये में, हमारा जैसा नजर आए। खबरदार, जो एक जैसा नजर आ रहा हो एक जैसा नहीं होता, जो जो नजर आ रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो ही हो। सलवार पढ़े मोहम्मद और आने वाले, ये दो पहलू हैं अहले बैत के। अहले बैत के एक नूरी पहलू है, एक बशरी पहलू है, और जब हम नूरी पहलू की तरफ जाएंगे तो फिर हमें समझ में आएगा कि ये फजीलत क्यों है, ये मकाम क्यों है। मसलन जब वो अपने नूर को गालिब करते हैं तो वो अपनी मारिफत करवा रहे होते हैं, फिर तो कंकर भी कलमा पड़ेगा, फिर तो दरख्त भी चल के आएगा, फिर तो चांद भी दो टुकड़े हो जाएगा, फिर तो सूरज भी पलट कर आएगा। जब ये अपने नूर का जलवा दिखाते हैं और अपनी मारिफत नूरी करवाते हैं तो फिर वो जलवे सामने आते हैं। मसाइब नहीं पढ़ा, करबला के मैदान में इमाम ने जब फिसल साथ से मुकालमा किया तो शोर मच रहा था, हजारों की तादाद में यजीदी सिपाही थे। हजरत ने फरमाया तेरी आवाज मुझ तक नहीं आ रही, मेरी आवाज तुझ तक नहीं जा रही, इन्हें खामोश करो। उसने आवाज दी कहा सब लोग खामोश हो जाए, मैं हुसैन से बात कर रहा हूं।
सब खामोश हो गए मगर घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज, ऊंट और जानवरों के गले में और पैरों में जो घुंघरू और घंटियां बंधी हुई थी वो बज रही थी। तो इमाम ने फरमाया खामोशी नहीं हुई, तो कहने लगा कि ये जानवरों की आवाज है। तो हजरत ने अपना दस्ते मुबारक फिजा में बना दिया। जैसे ही मेरे मौला हुसैन ने अपने हाथ को बदल दिया, पूरे कर्बला में सन्नाटा तारी हो गया। सवाल यह है कि हुसैन मौला के एक इरादे पर जानवर पहचान गए हुसैन। ये वो नूर का इजहार था, लेकिन यही जानवर इमाम हुसैन के बदन पे दौड़ गए। ये बशरियत का इजहार था, ये बशरियत का इजहार था कि घोड़े नहीं पहचान सके और इमाम हुसैन के बदन को पामाल कर गए। जब ये चाहते हैं तो अपना नूरी पहलू दिखाते हैं और जब ये चाहते हैं अपना नूरी पहलू बख्शी कर देते हैं, तो फिर बशरी पहलू के तो देखकर वो वही करेगा जो जैसे बशर के साथ होता है, तो उलझने दूर हो जाएंगे। मसलन अर्रहमान अल्लम अल कुरान खलक अल इंसान, रहमान वो है जिसने कुरान पढ़ाया और फिर इंसान को खल्क किया। भाई होना मेरे मुताबिक बशरी तकाजों के मुताबिक तो ये होना चाहिए था, अर्रहमान खलक अल इंसान अल्लम अल कुरान, रहमान सूरह रहमान की इब्तदाई आयतें, रहमान वो है कि जिसने इंसान को खल्क किया फिर उसे कुरान की तालीम दी। कुरान तो कह रहा है कि एक इंसान है जो पहले कुरान पढ़ चुका था फिर दुनिया में आया, ये कौन सा इंसान है भाई? हम तो दुनिया में आते हैं तो पहले 3-4 साल तक तो हमारे बच्चों को प्ले ग्रुप में और मालूम है जी नर्सरी में और कहां कहां, पहले तो वो बटन लगाना सीखे और जूते सीधे पहनना सीखे, पहले तो वो जो है वो इब्तदाई जो है वो तहजीब और आदाब सीखे और फिर उसके बाद कलम कैसे पकड़ा जाता है और मिसाल, और फिर उसके बहुत बाद क्लास 1 आएगी और फिर मालूम आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे क्लासें बढ़ती जा रही हैं ऐसे ऐसे तालीम मयारी होती जा रही है जी। मकतबी इल्म और है फहमी इल्म, और जो बशर है वो मकतबी इल्म से आलिम बनता है और जो नूर है वो बहरी इल्म से आलिम बनता है। ये अल्लाह से इल्म लेकर आने वाले लोग हैं और इनके इल्म की कैफियत मौलाना ऐसी है, इनके इल्म का आलम यह है कि जब ये इरादा करते हैं अल्लाह इन्हें इल्म अदा कर देता है। इनकी जिंदगी कभी इल्म से खाली नहीं रहती। जब अल्लाह हजरत मूसा के लिए इरशाद फरमा रहा हो लकद अरसलना मूसा बे आयातिना, हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ भेजा है, तो कुरान तो फार्मूलों की किताब है ना। कुरान 124,000 नबियों के हरेक के नाम बताएगा कि हमने इसे भी भेजा है तैयार करके, हमने इसे भी पढ़ाकर भेजा है, हमने इसे भी पढ़ाकर भेजा। एक नबी के लिए बता दिया तो जान नहीं लेंगे हम कि जब एक नबी पढ़ता है तो खातम रबिया कैसे पढ़ना है, सरकार अंबिया कैसे अनपढ़ होगा, माजल वो वहां से पढ़ कर आएंगे सलवात पढ़ने मोहम्मद वहां। और गलत सलवात नबी मेरी बहस नहीं है कि नबी मुकम्मल के बारे में जो एक तादाद को ये गलत फहमी है कि वो उम्मी थे यानी माशाल्लाह अनपढ़ थे, ये इससे बड़ी तौहीन नहीं है। अजीब दास्तान है तारीफ के नाम पर तौहीन। नून बल कलम वमा यस्तुरो, नून कसम है कलम की और उन सत्रों की जो कलम से लिखी गई है। ये कलम कौन है? ये कलम नबी की जात। वो सत्रे कौन है? वो आइमा की जात। ये कलम किसने चलाया है जो ये सत्रे लिखी है? इस कलम को चलाने वाला खुद अल्लाह है। जो अल्लाह का कलम बन जाए उसे कह रहे हैं उसे कलम चलाना नहीं आता था।
तुम तो उसे पढ़ पढ़ कर कदम चलाओ, तुम तो उसकी हदीसों को याद कर लो, तो मुफ्ती आदम बन जाओ। भाई उम्मी का मतलब अनपढ़ नहीं है, ये तौहीन है। उम्मी का मतलब ये है कि जैसे थे वैसे ही है। अब ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुमने अपने ऊपर मुकायसा करना शुरू कर दिया कि तुम तो अनपढ़ थे। उम्मी यानी असली, उम्मी यानी जैसा था जिसमें कोई तब्दीली ना आई हो, जिसमें कोई फर्क ना पड़ा हो। उम्मी यानी जैसा था वैसा ही। असल असास बुनियाद, मां को भी उम इसीलिए कहते हैं ना कि सारे शहरों के लिए मक्के को उम्मुल कुरा क्यों कहते हैं, इसलिए कि मक्के के बाद ही अल्लाह ने सारी जमीनों को बनाना शुरू किया। सबसे पहले अल्लाह ने मक्के मक्कतुल मुकर्रमा को बनाया और अब पूरी दुनिया उसी से जमीन को फैलाता चला गया, अल्लाह बनाता चला गया। तो वो सारे करियों की उम्मुल कुरा, सारे शहरों की मां यानी सारे शहरों की असल, सारे शहरों की बुनियाद, जहां से सारे शहर बने वो उम्मुल कुरा यानी मक्का। जी ओम का मतलब असास, असली, जैसा था जैसा असालत। नबी मुकर्रम जैसे थे वैसे ही, इसलिए कि दुनिया में कोई काबिल ही नहीं है जो इन्हें वो पढ़ाए जो ये ना जानते हो। कौन है भाई? मैं तो सरकार दो जहां की बात कर रहा हूँ, रबीउल अव्वल का महीना है, सारा आलम इस्लाम नबी मुकर्रम की आमद की तैयारी कर रहा है, आपके लिए जश्न मनाने की तैयारियां हो रही हैं। हम भी 8 रबीउल अव्वल के बाद अय्याम आजाद तमाम होंगे तो सारे मुसलमानों के साथ मिल जाएंगे और हम सब मिलकर नबी की आमद की खुशी मनाएंगे। और मैं हैदराबाद के दोस्तों के लिए एक जुमला कहना जरूरी समझता हूँ, अगर 29 या 30 सफर को किसी बाग में किसी पार्क में मजलिस के हवाले से आपको आजादारी करने नहीं दी तो ये अली वालों का शेवा नहीं है कि बदला लेते हुए सबीले नहीं लगाएंगे। नहीं, ये इमाम हुसैन वालों का शेवा नहीं है। मैंने सुना है कि कुछ इस तरह की बातें हैदराबाद में हो रही है, शाया ने शाने शिया ने हैदर करार नहीं कि हर साल वो जुलूसों के आगे सबीले लगाते थे 12 रबीउल अव्वल को, इस साल इसलिए नहीं लगाएंगे कि जो जुलूस लेके चल रहे हैं उन्होंने हमें मजलिस नहीं करने दी। तुम्हें अपनी कब्र में जवाब देना है, हर एक को अपना हिसाब देना है। अजीजा ने करा भी नहीं, जैसे हर साल होती थी नहीं उससे ज्यादा होगी। हर साल मेरे मौला अली के शिया यानी जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं और जो इसको आप सुनेंगे मेरी बात, हर साल पूरे हैदराबाद में 12 रबीउल अव्वल के मिलाद के जुलूसों के रस्तों में जो सबीले जो नियाज नजर का इंतमाम करते थे, इस साल उससे 2 बराबर ज्यादा होगी। इंशाल्लाह मुसलमानों के दुश्मन का मुंह काला हो। ये तो एक अरसे से इस्तेमारी ताकतों की आरजू थी, ये तो एक अरसे से सहयूनी ताकतों की आरजू थी कि सुन्नी शिया के अंदर दूरियां को इजाद करें, खला बढ़ाए, फासले बढ़ाए। अगर आप ये करेंगे तो वो आप उनकी मुरादों को पूरा करेंगे, उनके आरजुओं को पूरा करेंगे आप नहीं, शांत से होंगी और ज्यादा होंगी। अपना अखलाक अहले बैत की तालीमात के मुताबिक रखना है, ये तो हमारे भाई हैं, हमारी जान है। हम उसकी अपनी मजम्मत करेंगे जो कुछ हुआ वो अपनी जगह पर है,
उसकी मजम्मत होगी, जो कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था वो अपनी जगह बात। लेकिन इस साल और भी होगा, बेशक बेशक ऐसा ही है। इस साल दुश्मन हमें दूर करना चाहता है, हम दुश्मन के इरादों को खराब करेंगे और इंशाल्लाह सुन्नी शिया प्यार से रहेंगे और फिर हैदराबाद को तो हुस्नी कुछ और है, यहाँ का हुस्नी कुछ और है। इस वक्त भी मजलिस में मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, आप फिर आप उठाइएगा कि नहीं। इस वक्त भी मजलिस में 30-40% अहले सुन्नत बैठे हुए हैं, शिया को इमाम हुसैन के अज़ादारी के मालिक नहीं है, इमाम हुसैन की अज़ादारी के नौकर है और नौकरों को अपने मालिक के मेहमानों का ख्याल रखना हो। तो बहुत ही तैयारी के साथ इस साल मेरे भाई जैसे फरमा रहे थे फूलों की बारिश और तरीका तैयारी एहतमाम बढ़ा दीजिए काम को। हाँ सिर्फ इंशाल्लाह नहीं, खबर आनी चाहिए, नजर आए। जो नहीं करते थे ना वो आपका इस्तीफा करेंगे, जो पिछले सालों में नहीं करते थे तमाम वो इस साल करेंगे। ठीक है, मेरी बात से मुत्तफिक हैं या नहीं है? इस मेंबर का यही काम है भाई, सलवात पढ़ने मोहम्मद इससे बदल सलवात पढ़ने और बदल सलवात बात रोशन है। दो पहलू हैं और वो जो नूर जो नबी के साथ नाज़िल हुआ है उस नूर की इत्तबा गोया कामयाब लोगों के लिए एक रहनुमाई है। ये कामयाब कैसे होना है? उस नूर की इत्तबा करो जिस नूर को नबी के साथ नाज़िल किया गया है। जो नबी के साथ नाज़िल हुआ है वही नबी की नबूवत पर गवाह भी है, वही बताएगा कि ये नबी है। लिहाजा कुरान सूरह मुबारक रात की 43वीं आयत में इरशाद फरमा रहा है अल्लाह कि जो लोग कुफ्र इख्तियार करते हैं उन्होंने कहा है कि आप भेजे हुए रसूल नहीं है, इनसे कह दो कि मेरी रिसालत पर गवाही के लिए अल्लाह काफी है और वो जिसके पास मुकम्मल किताब का इल्म है, जो मुकम्मल किताब का आलिम है उसे आली कहते हैं। मौला गवाह है नबूवत नबी, गवाह है रिसालत रसूलुल्लाह है मौला, और गवाह होता है कि जिसके सामने सारा काम हुआ हो। तो मौला अली के सामने नबूवत दी गई है, मौला अली के अल्लाह इसलिए गवाह है कि उसने दिया है और अली इसलिए गवाह है कि उन्होंने देते हुए देखा। लिहाजा जब भी नबी पर वही नाज़िल होती थी तो मेरे मौला फरमाते समय तो रब नतन ही नतन वही, जब सरकार पर वही नाज़िल हुई तो मैंने सुना एक रोने की आवाज, मैंने चीखने की आवाज सुनी, रोने की आवाज सुनी। तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह मा हादा रन्ना, ये रोने की आवाज कैसी है? तो सरकार ने फरमाया हाज़ा शैतान, ये शैतान की आवाज है। जब मुझ पे कुरान नाज़िल होता है तो शैतान रोता है। ये कहकर सरकार मुस्कुराए और अली के चेहरे को देखते हुए फरमाया या अली अंता तस्माउ मा अस्मा व तरा मा अरा, जो मैं सुनता हूँ वो तुम सुनते हो, जो मैं देखता हूँ वो तुम देखते हो। सलवात पढ़ने मोहम्मद वाले उस नूर की बात हो रही है, उस नूर की इत्तबा की बात हो रही है जो नबी के साथ नाज़िल हुआ है। और जो अली मौला की इत्तबा कर रहे उलाएकहुम अल-मुफ्लिहून, कुरान कह रहा है यही कामयाब लोग हैं। कल की जो गुफ्तगु हमारी रुकी थी वो ये कि हमारे यहां इमामत और खिलाफत दो चीजें नहीं है, दो उन्वान नहीं है। वही जो खिलाफत का उन्वान है वही इमामत का उन्वान है, जो इमामत का मौजू है वही खिलाफत का मौजू है।
इमाम किसे कहते हैं? अच्छा, लुगत में इमाम के क्या माने हैं और इस्तलाह में इमाम के क्या माने हैं? लुगत में इमाम का मतलब है वो डोरी और रस्सी जो दीवार को सीधा रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्या कहते हैं सिंधी में, क्या कहते हैं? शाल। वो रस्सी जो दीवार को सीधा उठाने के लिए वो इस्तेमाल की जाती है, ताकि ये इमारत सीधी चलती रहे। जिसके जरिए से इमारत सीधी चलती रहे उसे लुगत में इमाम कहते हैं। हाँ, लुगत लुगत सलवार पढ़ रहा मोहम्मद वहां। और याद रहे कि लुगत के मानी और होते हैं और इस्तलाह के मानी और होते हैं। मसलन लुगत में असलात का मतलब है दुआ, सलात का मतलब है दुआ लुगत में, लेकिन इस्तलाह में हर दुआ सलात नहीं है। एक मखसूस अमल है, खड़े होंगे, रुकू में जाएंगे, सजदे में जाएंगे, दो सजदे करेंगे, फिर उठेंगे, फिर खड़े होंगे, ये पूरा एक अमल है तरतीब के साथ, तो इस्तलाह में उसे सलात कहते हैं। तो इमाम यानी वो जो इमारत को सीधा करने के लिए एक वसीला इस्तेमाल किया जाता है उसे अरबी लुगत में इमाम कहते हैं। और इस्तलाह में अल इमाम हो मैं यक्तदी फी अक्वालही व फी अक्वालही व अफआले, जिसके अक्वाल में और जिसके अफआल में इक्तदा की जाए, यानी जिसकी इक्तदा की जाए उसके अक्वाल में और उसके अफआल में, जिसकी इक्तदा की जाए उसके अक्वाल में और उसके अफआल में उसे इमाम कहा जाता है। ये जो इमाम का उन्वान है वो चार शराइत के साथ हजरत इब्राहिम ने तय किया है। कल बात हो चुकी, सबसे पहली शर्त इम्तहान आजमाइश, दूसरी शर्त शाबाश नस, तीसरी शर्त औलाद, इमामत औलाद में होगी, खिलाफत औलाद में होगी, जानशीनी औलाद में होगी, आल में होगी। असहाब का मकाम है, साथियों की बड़ी मंजिलत है, मगर खिलाफत आल में आए। मैंने कल कहा कि किसी नबी की भी आल से हटकर खिलाफत नहीं गई। अच्छा, खिलाफत आल में ना आए और इम्तहान आल दे। आल में क्यों खिलाफत आए? सलवा पढ़ रहा मोहम्मद। तवज्जो करना है, आजमाइशें आल दे, घर आल लुटाए, नस्लें आल कटवाए, गले पे छुरी आल के चले, मगर नहीं, अगर आल में खिलाफत और इमामत आ गई ये तो मौरूसी हो जाएगा, ये तो खानदान परस्ती माजल्ला हो जाएगी, ये तो माजल्ला रॉयल फैमिली सिस्टम हो जाएगा, माजल्ला माजल्ला, ये वाली बातें की गई है। नहीं, किसी के मकसद और उसकी तहरीक में जितनी जान सारी, जान फिशानी, संजीदगी, खलूस, सच्चाई आल पेश कर सकती, उसकी आल इतना कोई और पेश नहीं कर सकता। हजरत इब्राहिम को जो अल्लाह ने इमामत दी है ना, मेरा सवाल सुनने वालों से, आग में फेंका गया हजरत इब्राहिम को, उस वक्त इमाम नहीं बनाया अल्लाह ने, माल अपना अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया अल्लाह ने, उस वक्त इमाम नहीं बनाया। किस वक्त इमाम बनाया? जिस वक्त हजरत इस्माइल के कलेजे पे छुरी चलाई। जी आल में क्यों इमामत रही? इसलिए कि हजरत इब्राहिम ने फरमाया अन्नी अरा फिल मनाम इन्नी अस्बहुका, मैंने ख्वाब में देखा है कि तो मैं ज़िबह कर रहा हूं। तो आल है ना आल, ये नहीं कह रही कि मेरी जान बचेगी या नहीं, आप पर अमल करना कौन सा हुक्म है, हमारे जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया आप वही करें। आज अपनी अपने मौला, अपने आका, अपने पहले वाले इमाम की जो औलाद है वो उसके मकसद पर कुर्बान होने को तैयार। हजरत इस्माइल ने गले गले गला पेश कर दिया ना कि मेरे गले पे आप छुरी चला दें, और उन्होंने छुरी चलाई ना। यानी अगर हजरत इस्माइल ये फरमाए कि आप वही करें जो आपको हुक्म दिया गया है,
और हजरत इस्माइल साथ में ये भी फरमाए कि आप मुझे साबिरों में पाएंगे, आप मुझे सब्र करने वालों में, कुछ नहीं बोलूंगा आप छुरी चला दीजिएगा, जो सब्र करके मुसीबत ले उसे कुरान में अल्लाह ने इमाम बनाया, और जो मुसीबत शुक्र करके ले उसकी इमामत में कैसा शक। जब मेरे मौला नबी ने फरमाया या अली तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओगे, तो मौला अली ने क्या फरमाया, या रसूलल्लाह मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? सरकार ने फरमाया हाँ तुम्हारे सोने से मेरी जान बच जाएगी। तो फरमाया या रसूलल्लाह ये वही मकाम है जिसका मुझे इंतजार था, फौरन सजदा शुक्र में सर रखा। अल्लाह को अली का सजदा शुक्र इतना अच्छा लगा कि अब कयामत तक हर मुसलमान पर सवाब है नेमत मिलने पर शुक्र अदा करना। सलावत पढ़ने मोहब्बत हो आ जाए। ये घराना मुसीबतों को नेमत समझ के लेता रहा और अपनी जान कुर्बान करता रहा। अल खिलाफतो सलासून सना, खिलाफत 30 साल रहेगी मेरे बाद। यह हमारे यहां हदीस नहीं है, कुछ देर के लिए मैं अपने भाइयों की नकल शुदा हदीस पर गौर करना चाहूं। सरकार ने फरमाया अल खिलाफत सलासूना सना, खिलाफत 30 साल तक रहेगी। तो कहने लगे वो जो 30 साल तक 4 शख्सियात का दौर रहा, वो 30 साल का दौरानिया गुजरा है जब अली मौला की शहादत हुई है 47 हिजरी। तो ये नबी के बाद से लेकर नबी 11 हिजरी में गए, 40 हिजरी में मौला अली की शहादत हुई, तो 30 साल। ठीक है, तो ये नबी ने तो पहले ही फरमा दिया था कि खिलाफत मेरे बाद 30 साल रहेगी, और फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीन, मैं तुम पर वाजिब करार देता हूं कि मेरी सुन्नत पर अमल करो और खुलफाए राशिदीन महदीन की सुन्नत पर अमल करो। जी ये हदीस तुरुक इमामिया तुरुक जाफरिया में नकल नहीं हुई, हमारे यहाँ इस हदीस का कोई नहीं है वजूद, मगर मेरे भाइयों की हदीस में सुना रहा हूँ। ठीक है कि नबी ने फरमाया कि मेरे बाद तुम पर वाजिब है मेरी सुन्नत पर अमल करना और सुन्नत खुलफाए राशिदीन पर अमल करना। और खुलफाए राशिदीन कौन है, गोया दूसरी हदीस में सरकार ने फरमाया, नकल कर रहा हूँ भाई, गोया सरकार ने फरमाया अल खिलाफत सलासून शहरा, सलासून सना, शहर नहीं सना, खिलाफत 30 सालों तक रहेगी, उसके बाद खिलाफत खत्म हो जाएगी। तो पहली बात तो ये, बल्कि मैं पहली बात ही पहले कर देता हूं कि अगर इस हदीस को मान भी लिया जाए कि सरकार ने फरमाया मेरे बाद 30 साल तक खिलाफत रहेगी, तो 30 साल तक जो खलीफा रहा है वो सिर्फ अली रहा है। सलवात पढ़े तो मैं रहम करूं, और गलत सलवात मौला की रात। नबी की रहमत के बाद पूरे 20 साल तक अगर कोई नबी का खलीफा रहा है तो वो मौला अली रहे हैं। पूरे 30 साल जिंदा रहे हैं, शहादत हुई है पूरे 30 साल के बाद, और सरकार ने अगर फरमाया कि मेरे बाद खिलाफत 30 साल तक रहेगी, उसके बाद खिलाफत नहीं रहेगी। उधर सरकार ने फरमाया कि इनकी सुन्नत पर अमल करो, तो सुन्नत पर अमल अव्वल तो इस हदीस से किसी भी खलीफा मोहतरम ने इस्तदलाल नहीं किया। जी जी, किसी भी खलीफा ने ये इस्तदलाल ही नहीं किया कि नबी तो कह के गए कि हमारी सुन्नत पर अमल करो, उन्होंने तो इसको बात ये बात ही नहीं की। इसलिए कि सुन्नत में तजाद है, और जहां तजाद आ जाए वहां इताअत का हुक्म नहीं दिया जाएगा। मसलन
ایک شخصیت نے نماز حالت سفر میں قصر نہیں کی اور باقی تین شخصیات نے قصر کی, تو امت ان پر عمل کرے یا ان پر؟ مثلاً سرکار نے کی سنت تو یہ کہ حضرت نے مروان کو شہر بدر کیا, حضرت نے مروان ابن حکم کو اور اس کے باپ کو حکم ابن وائل کو, ان دونوں کو شہر بدر کیا, تو سرکار نے جسے شہر بدر کیا ہو اور کوئی اگر شخصیت اسے شہر میں بلا لے تو تضاد ہے یا نہیں؟ سلوات پڑھ رہے محمد وہاں, واحد واحد نام ہے مروان کا جسے نبی نے مدینے سے نکالا تھا جی, اور واپس بلانے پر باقاعدہ مسلمانوں میں بحث شروع ہوئی کہ یہ نبی کی سنت سے انحراف ہے. خالصتاً علمی بات کر رہا ہوں بھائی میں, اس بچے کا, اس جوان کا حق ہے نا کہ وہ جب کالج میں, یونیورسٹی میں, اپنے آفس میں اپنے دوست سے سنتا ہے کہ یہ حدیث ہے سرکار کی کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی, تو اسے جواب آنا چاہیے نا, وہ بتائیں نا کہ اس سے کیا مراد ہے. نبی کے بعد 30 سال تک صرف مولا علی کی ذات ہے جو 30 سال مسلسل رہے, باقی کوئی نبی کے بعد 30 سال مسلسل نہیں رہا, اگر ہم اس کو مان بھی لیں. اور پھر عزیزان گرامی, خلافت پر پیش نماز اور نماز کی امامت کرنا یہ خلافت پر دلیل نہیں ہو سکتی. اللہ کرے میرا مجمع میرے ساتھ رہے, مجھے بات بھی اپنی پوری کرنی ہے اور کوئی الجھن بھی نہیں ڈالنی. یعنی خلافت پر, اگر نبی کی خلافت پر نماز جماعت کی امامت کو دلیل بنایا جائے کہ نبی کی زندگی میں کسی شخصیت نے امت کو نماز پڑھائی, نبی ان کی زندگی میں پڑھائی, تو اب نبی کے بعد وہی پڑھائیں گے, یہ دلیل نہیں ہے. یہ دلیل اس کی نہیں ہے کہ یہ جو حدیث ہے, یہ جو روایت ہے کہ سرکار کی زندگی میں کسی شخصیت نے نماز جماعت پڑھائی, اس حدیث پر جی ابن باز اور بڑی بڑی شخصیات نے بحث کی ہے کہ سرکار نے آدھی نماز میں, طبیعت خراب تھی حضرت کی, سرکار دو جہاں بستر پر تھے, آپ نے فرمایا کہ اسے بلاؤ, تو پھر بلایا گیا, حضرت نے فرمایا اسے بلاؤ, پھر بلایا گیا, پھر حضرت فرمایا اسے بلاؤ, پھر اب حضرت جن کے آنے پر بار بار کہہ رہے ہیں اسے بلاؤ, یعنی انہیں نہیں انہیں بلاؤ, وہ واضح نہیں ہو پا رہا کہ کنہیں بلاؤ. تو پھر جب ایک شخصیت نے جا کے نماز شروع کر دی تو سرکار نے فرمایا مجھے سہارا دو, اور اسی حالت میں سرکار دو جہاں مسجد میں گئے اور سرکار نے ان حضرت کو پیچھے ہٹا کے خود نماز پڑھی. تو اس طرح کی وہ نماز ہے. پھر چلیں ہم کچھ دیر کو مان لیتے ہیں کہ نبی کی زندگی میں نماز پڑھائی, تو نبی کی زندگی میں اگر نماز پڑھانا دلیل خلافت ہو جائے تو بھائی آپ تو فرماتے صلوا خلف کل امام بر و فاجر, نیک ہو یا برا ہو نماز جماعت سے پڑھا کرو. آگے جو کھڑا ہوا ہے, جو نماز پڑھا رہا ہے, وہ کیسا ہی ہو نماز مگر جماعت کے ساتھ پڑھا کرو. تو قاعدہ تو یہ ہے کہ کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے, تو جب کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے تو پھر یہ دلیل کیسے ہوگی کہ جس کے پیچھے پڑھ لی وہی خلیفہ ہے؟ ایک علمی بات ہے نا بھائی, یعنی یہ وہ موضوعات ہیں کہ جو بتائے جاتے ہیں, بولے جاتے ہیں, سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے, یہ بچہ کہاں سے جواب لے گا جی؟
तो ये तो कोई दलील नहीं हुई। जब जब किसी के भी पीछे नमाज पढ़ी जा सकती है तो फिर नमाज पढ़ाना कौन सी दलील है जी? फिर ये कि मौला अली ने पीछे नमाज पढ़ी, तो मौला अली का पीछे नमाज पढ़ना, तो भाई सवाल उससे होगा जो आगे खड़ा है। सवाल तो उन हजरत से होगा कि जो मौला अली के आगे खड़े हुए। थक गया मेरी बात सुन। नहीं भाई, बड़ा समझदार मजमा है। तो नहीं मेरी बात। सरकार दो जहां ने फरमाया, या अली मसलों का मसल काबा, या अली तुम्हारी मिसाल खाने काबा जैसी है। यदूरो वला युदा, काबा कहीं चक्कर काटने नहीं जाता, काबे के गिर्द सब चक्कर लगाने आते जी। अब जब अली है काबा तो काबे को पुश दिखा के नमाज पढ़ी जाएगी, सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुझे 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 इजाजत दीजिए कि मैं, ये इमामत और खिलाफत की बहस है, जिसको जिसको कबूल हो वो कबूल करे, जो सुन तो लेना, जो कह के नहीं भाई मौलाना आपकी बात यहां तक तो ठीक थी, ये वाली बात कमजोर थी, तो ठीक है आप उसे कमजोर मानिए, मगर बात तो सुने। ये दलील नहीं है खिलाफत की, ये दलील नहीं है। खिलाफत की वही दलील है जो सरकार ने फरमाया, या अली अल्लाह अकबर, अमा तर्जान तकूना मिन्नी बे मंजिलता हारून मिन मूसा। या अली तुम्हारी निस्बत मेरे साथ वही है कि जो मूसा और हारून की निस्बत थी। इल्ला हदीस यहां रुकती तो आप कहते भाई ये कहां से दलील है खिलाफत में, आप ये वाली बात कहां से ले आए, ये हदीस वाली अदिल्ला खिलाफत में ये वाली हदीस कहां से ले आए। अब जरा हदीस पूरी सुनिए। इल्ला ला नबी आबादी, या अली तुम्हारी मेरे साथ वही निस्बत है जो मूसा और हारून में थी। इल्ला ला नबी आबादी, बस मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं। तो मूसा तो हजरत हारून को अपना खलीफा बना के जा रहे हैं, कुरान है भाई। जब नबी ने कह दिया कि तुम्हारा मेरा रिश्ता वही है कि जो मूसा और हारून का है, तो नबी तो हजरत मूसा तो हजरत हारून को खलीफा बना के जा रहे हैं। या हारून वखलुफनी फी कौमी वसले, ए हारून मेरी कौम में रहो और मेरी कौम में मेरी खिलाफत, मेरे बाद मेरी खिलाफत के उनमान से रहो और मेरी कौम की इस्लाह करो। इल्ला ला नबी आबादी, है मेरे अली तुम्हारी निस्बत मेरे साथ वही है जो हारून और मूसा और हारून को थी, सिवाय ये कि मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। तो नबी आने वाले नहीं है, उसके अलावा तो सारी सिफात वही है, इस्मत वही है, खिलाफत वही है, हिदायत वही है, नबुवत नहीं है, इसलिए कि कलमदान नबुवत खत्म हो गया, नबुवत की जरूरत ही नहीं रही, इसलिए नबी नहीं है। अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो फुला होता, तो अगर मेरे बाद नबी होता तो फुला होता, तो वो पहले खलीफा क्यों नहीं हुए? सबसे ज्यादा हक था ना हजरत का कि उन्हें पहला खलीफा बना जाता। इसका इसका मतलब यह है कि यह हदीस भी घड़ी हुई है। इस हदीस के मुताबिक कि या अली मेरी निस्बत और तुम्हारी निस्बत मूसा और हारून वाली निस्बत है, उस इस हदीस के मुताबिक तो नबी के बाद अगर कोई खलीफा होता तो अली।
अब जरा तसल्ली रखिए मेरे सुनने भाइयों का, एक बड़ी तादाद में अकीदा ये है कि अली खलीफा चौथे थे, इमाम पहले थे। एक तादाद मेरे भाइयों का अकीदा यह है, किताबें लिख दी गई हैं अब तो, पिछले दो साल पहले अल्लामा ज़ुहूर ज़ुहूर अहमद फैज़ी साहब ने अभी दो साल पहले किताब लिखी है, अहले सुन्नत के लाहौर के आलिम दीन हैं, कराची भी रहे, असल वो शायद उच्च शरीफ के हैं जी हाँ, उन्होंने किताब लिखी है खिलाफत बातनिया। वो ये कह रहे हैं और दलाइल दिए ना बड़े, कोई एक हवाला भी शिया किताब का नहीं है, सारे अहले सुन्नत किताबों के हवालों से उन्होंने बात की है कि मौला अली पहले तीन दौरों में भी नबी के खलीफा अली थे। पहले तीन दौरों में भी मौला अली नबी के खलीफा थे, यानी अली खलीफा बिला फसल बातनी, बातनन अली खलीफा बिला फसल, यानी इंतजामात अली के हाथ में नहीं थे मगर नबी की जानशीनी अली के पास थी, लिहाजा अली के बगैर किसी दौर में, तीनों दौरों में अली के बगैर किसी ने भी अपना दौर नहीं गुजारा। हर कुछ देर बाद, हर कुछ मुद्दत के बाद, हर किसी मसले में पूछते थे कि अली क्या कहते हैं, अली को बुलाओ, अली से पूछो। और एक दो दफा नहीं, कोई 70 मरतबा से ज्यादा हजरत उमर ने कहा अगर अली ना होते तो मैं हलाक हूं जी। इसी तरह एक वाकया नहीं है, बहुत मशहूर बड़ा हसीन मंजर है कि जब एक शख्स ने आकर कहा कि मुझे रसूलुल्लाह ने फला सफर में फरमाया था कि मदीने आओगे तो मैं तुम्हें अपने हाथों से खजूरें खिलाऊंगा, तो मुझे नबी की रहमत हो गई है, मुझे नबी ने कहा था, तो कोई नबी का वादिस है। तो दौर हजरत अबू बकर का था, तो हजरत अबू बकर ने फरमाया कि अली को बुलाओ, और जब मौला अली तशरीफ लाए तो कहा या अली, इससे नबी ने वादा किया था आप इसे खजूरें दे दें। मौला अली ने खजूरें दे दी, तो किसी ने कहा ये काम तो आप भी फरमा लेते, खजूरें तो देनी थी ना, तो फौरन फौरन कहा कि मैं जब नबी के साथ गार में था तो सारी रात या अल्लाह की बात हुई अली, और सरकार ने जो अली की बात मुझसे की उसमें एक बात ये की कि इन कफाया व कफा अली इन फिल अदल सवा, मेरा हाथ और अली का हाथ अदालत में एक जैसा, तो कोई अली देंगे तो कोई नबी देंगे। तो खिलाफत और इमामत की बहस बहुत रोशन है अजीजा निगरामी। मेरे मौला के नामों में, अलकाब में एक लकब अमीरुल मुमिनीन, इजाजत दीजिए कि कल इस बात हो, जी कल बात हो, आपको मैंने आपके हवाले कर दिया है मजमून कल का। अमीरुल मुमिनीन का क्या मतलब है? मौला अली के अलकाब में एक लकब अमीरुल मुमिनीन, अली के अलावा किसी और के लिए ये रवा ही नहीं। अली मौला के अलावा किसी और के लिए लकब जायज ही नहीं। मैं हदीस सुनाऊंगा और इस लकब को समझने की कोशिश करेंगे। अलखाब मौला अली में एक लकब अमीरुल मुमिनीन, मोमिनीन का अमीर, नबी ने कहा, नबी ने बनाया, नबी बना कर गए अमीर मोमिनीन, नबी बना कर गए। कल बात होगी, मुझे इजाजत दें, बार बार हो रहा है कि शुरू हो जाऊं, शुरू हो जाऊं, मगर कल ही जाऊं, सलवात पढ़ने जा रहा हूं। सुबह के साथ दिल बोला अली बोला अली बोला, मौला मुत्तकियान अली ने अभी तारे बाबा से बुलंद तक सलवा।
صاحبان ایمان کا امیر، سلمان و ابو ذر کا امیر، مرداد و حذیفہ یمان کا امیر، صحابہ کرام کا امیر، اہل ایمان کا امیر، اور اگر یہ مومنین کے امیر ہیں تو جب تک مومنین آتے رہیں گے امیر بھی رہے گا. سمجھا آپ نے؟ ماشاءاللہ بھی ماشاءاللہ. ایک سلوات پڑھے دو نبی کی. اور بدن سلوات نبی. ماحول ادبی علمی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، کسی طرح کا کوئی شائبہ نہ ہو کہ نیت کی خرابی ہے، بلکہ نیت کی پاکی ہے. اس لیے کہ اس گھرانے کو راضی کرنا ہے جن کا اس دنیا میں بھی اور اس آخرت میں بھی سامنا ہے. کیوں مانگتے ہیں مولا علی سے آپ؟ کیوں مانگتے ہیں امام حسین سے آپ؟ ایک صاحب کہنے لگے، فضائل کا ایک باب بیان کر رہا ہوں، ایک صاحب فرض کہنے لگے کہ زندگی میں انہیں وسیلہ بنانا جائز تھا. نبی کے پاس لوگ آتے تھے جی، ایک سفر میں تو پانی نہیں تھا نا، صرف ایک کٹورا پانی کا ملا، اور ہزار سے زیادہ صحابہ کرام تھے، سب پیاسے تھے. سرکار نے اپنا ہاتھ اس کٹورے میں ڈال دیا، سرکار کے ہاتھ کی برکت سے 1000 سے زیادہ صحابہ نے پانی پیا. پانی ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، اس کٹورے سے نکلتا جا رہا تھا، اور سارے جانوروں نے پانی پیا. تو نبی مکرم کے پاس آ کر صحابہ کرام کہتے تھے، یا رسول اللہ میری یہ مشکل ہے، میری یہ پریشانی ہے، سر دعا فرماتے تھے، ارادہ فرماتے تھے، اس کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا. تو کہتے ہیں کہ زندگی میں مانگنا تو جائز ہے، رحلت کے بعد، اب قبر میں ہے، اب مدینے میں مزار میں ہے، اب مانگنا جائز نہیں. تو اس کو کیسے میں بچوں کو اس کا جواب دوں؟ حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری صحابی رسول طواف کر رہے ہیں، طواف کے درمیان گورنر مکہ جسے جگہ نہیں مل رہی تھی، اور حضرت جابر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر کو خاص احترام سے دیکھا جا رہا تھا، تو اس نے پوچھا کون ہے؟ کہیں نہیں جانتے، صحابی رسول ہیں. تو آگے بڑھا جا کے سلام کیا، تو حضرت جابر نے ایک مرتبہ ایک نگاہ دیکھا، سلام کا جواب دیا، پھر ذکر میں مصروف ہو گئے. تو اس نے کہا میں مکے کا گورنر ہوں. تو حضرت جابر نے فرمایا میں اللہ کی عبادت میں ہوں. کہا میں اللہ کی خاطر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی میرے لیے حکم ہو تو وہ کہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی میرے لیے کام ہے تو کہیں، کوئی حکم ہے. حضرت جابر نے فرمایا کہ آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ کہنے لگا نہیں آخرت میں کچھ دے سکتے. حضرت جابر نے فرمایا دنیا میں نے چھوڑ دی ہے، آخرت میں تم کچھ دے نہیں سکتے، تم سے کیوں مانگوں؟ قاعدہ کیا دیا ایک صحابی رسول نے کہ جو آخرت میں دے سکتا ہو اس سے دنیا میں مانگا جا سکتا. تو میرے بچوں جوانوں، روشن ترین بات ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے جو آخرت میں دے سکتا ہے. جنت کے جوانوں کے سردار یہ خاتون جنت ان کی والدہ، علی کی تحریر کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا. جنت کے دروازے کی کنڈی بچتی ہے تو علی علی کی آواز آتی ہے. جنت کے پردوں کو اللہ نے علی علی کی نگاروں سے سجایا ہوا ہے. جنت میں جب تیز ہوا چلتی ہے تو ہوا کی آواز بنتی ہے علی 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 علی.
जन्नत के आठों दरवाजों के ऊपर अली उल वली उल्लाह का कलमा लिखा होगा। अली के बगैर तो जन्नत ही नहीं सजती, अली के बगैर तो जन्नत नहीं सजती। और ये तो मौला अली की बात कर रहा हूं, कुरान मजीद सूरह मुबारक ज़ुमर, दो साल पहले मैं ये बात यहां कर चुका हूं इस हमसे में, उसमें अजीब पैगाम है, वसीख अल्लदीना इत्तकौ रब्बहुम मिनल जन्नत ज़ुमरा, साहिबाने तक्वा को जन्नत में धक्का दे के ले जा रहे होंगे, जाने को तैयार नहीं होंगे जन्नती, तो जो जाना चाहते होंगे उन्हें तो ले जा नहीं रहे, और जो जिन्हें ले जा रहे हैं वो जाना नहीं चाहते। कुरान है ये कुरान जी, वसीख अल्लदीना इत्तकौ रब्बहुम मिनल जन्नत ज़ुमरा, मुत्तकी लोगों को जन्नत में धक्का दे के ले जा रहे हो, कुरान की आयत सूरह ज़ुमर की आयत, तो वो जाएंगे नहीं। कुछ कहेंगे भाई ये कौन है, ये तो जा नहीं रहे हमले का, नहीं इन्हें नहीं जा रहे, तो इन्हें ये तो जा नहीं रहे, ये कौन है जो जन्नत में ही नहीं जा रहे, तो आवाज आएगी हुम हुद्दा सुल हुसैन, ये दुनिया में हुसैन हुसैन बोलने वाले, इनका कहना यह है कि पहले हमें हुसैन का दीदार, पहले हमें हुसैन का दीदार, हम तो उस जन्नत में जाएंगे जिसमें हुसैन जाएंगे। मैंने आयत की भी अरबी पढ़ दी है, हदीस की भी अरबी पढ़ दी है, ढूंढना सर्च करना आपका भी काम है, ये कौन है, और फिर आवाज आएगी नरों को हुसैन आ रहे, जो इमाम हुसैन को दुनिया में याद कर करके आप कई घंटों से, पता नहीं कितने घंटे पहले आप घर से निकले होंगे, कहां से किस तो दोस्त को साथ दिया होगा, भाई चलो देर ना हो जाए, वो बैठ ना जाए, मरसिया निकल ना जाए, भाई आज तो फला को मरसिया पढ़ना था, आज तो सलाम फला पढ़ेंगे, वो भी आए हैं, वो भी मजलिस पढ़े, भाई नौबत ही सुनना है, फिर मालूम है कि किसी का कोई चीज गुम हो गई, किसी का कोई चीज जाया हो गई, चीज गुम हो गई या किसी ने गुम कर दी, वो सारे नुकसान अपनी जगह, मगर मजलिस नहीं छोड़ेंगे, वो सारी परेशानियां अपनी जगह, मगर काले कपड़े नहीं छोड़ेंगे, न्याज नजर नहीं छोड़ेंगे, हमने अपने घर के पर्दे से तब्दील नहीं करवाए, मगर अलम का फरेड़ा बदलेगा, मोहर्रम आ गया है, अलम का फरेड़ा बदलना है, अलम का पंजा बदलना है, हमने अपने फला चीज नहीं हासिल की, खाई नहीं, हमने फला नेमत नहीं खाई क्योंकि पैसे नहीं थे, मगर पैसे जोड़ने न्याज जरूर, फिर साथ में चुपते हुए जुमले, ये मुशरिक हैं, ये बिदअती हैं, हमारे रोने की नकलें उतार उतार कर मजाक बना बना कर दिल आजारियां भी होंगी, मतलब वो सब बर्दाश्त करना है, ये बर्दाश्त करते करते हर हाल में जो हुसैन हुसैन उनके लिए है कि उन्हें कहा जाएगा इन लोगों को, ये चाहते हैं ना जन्नत में हुसैन को देख कर आए, इन्हें हुसैन का दीदार चाहिए ना, इन लोग हुसैन आ रहे हैं, और फिर जब इमाम हुसैन महशर में आएंगे तो ये सारे हुसैन के अज़ादार इमाम हुसैन का दीदार करेंगे, हल्का बना लेंगे, हल्का बना लेंगे, कोई इमाम के हाथों का भरोसा दे रहा होगा, कोई इमाम के हमसद वाले इमाम के पैरों का हाथ लगाता होगा, कोई तो दूर से ही हुसैन की खुशबू सूंघ रहा होगा, रश बहुत ज्यादा है, इतने लोग माजम है, और जो जितना आजादारी में मुफलिस होगा ना, इतना ही महशर में इमाम हुसैन के करीब होगा, सच्चाई खुलूस नीयत की बाकी, रियाकारी नहीं, दिखावा नहीं, बनावट नहीं, तसन्नो नहीं, जितना खुलूस ज्यादा होगा जिसकी इज्जतदारी में, कोई इमाम हुसैन के करीब होगा। अब यहां तक तो रिवायत में मिलता है, मगर मेरा कुछ एहसास है जो आपके सामने रखना चाहता हूँ, जब इमाम हुसैन को देखेंगे ना, जब इमाम हुसैन का दीदार होगा तो अजब नहीं कोई अली अकबर का पोसा था, आपके अली अकबर के बड़े मुमकिन है कोई आगे बढ़कर कहे आपके अली अकबर का पोसा, आप भी सकीना क्या
मैंने कल एक जुमला कहा था, शाम मैंने बैद को खा गया। चेहरे बदल गए, बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई। इमाम सज्जाद को हजरत मोहम्मद हनफिया पहचान नहीं पाता। जब मदीने में काफिला पहुंचा था तो इमाम सज्जाद से मिलने के लिए जब मोहम्मद हनफिया आए तो खुद इमाम सज्जाद से पूछने लगे, ज़ैनुल आबिदीन कहाँ? उन्होंने बढ़कर कहा, चचा मौन अली के बेटे हैं ना, इमाम हसन हुसैन के भाई हैं ना, हजरत मोहम्मद हनफिया इमाम हुसैन के भाई हैं। तो इमाम सज्जाद ने बढ़कर कहा, चचा ये आपके सामने अली खड़ा। हाँ चचा, मैं सब कुछ लुटा के आ गया, सारा खानदान लुटा कर आ गया। तो उस वक्त इमाम सज्जाद को पहचानने के बाद अजीब जुमला मक्तल कर, इमाम सज्जाद को पहचानने के बाद हजरत मोहम्मद हनफिया बेसाख्ता गले से, जब गले से लगे तो दोनों हाथों को पकड़ कर इमाम सज्जाद ने फरमाया, चचा आहिस्ता, मेरा पूरा बदन फट गया। जिसके मजहब में होना जायज है, जी जी मेरे को भाई भी आए हुए ना, नहीं होते जिनके मजहब में होना जायज है वो तकल्लुफ करके ना पाए। जब काफिला शाम पहुंचा, जब काफिला शाम पहुंचा तो जनाबे ज़ैनब बीवियों के हलके में जा रहे। शाम के दरबार, यजीद के दरबार के बाहर अहले बैत को खड़ा रखा गया और इतनी देर खड़ा रखा गया कि इमाम सज्जाद ने पूछा कि तुम हमें दरबार में क्यों नहीं ले डाले? तो कहने लगे, अभी मेहमानों का इंतजार हो रहा है, मेहमानों का इंतजार करवाने के लिए मेहमानों के इंतजार में अहले बैत को खड़ा रखा गया। और जब मेहमान आ गए ना, तो कौन मेहमान थे? उनमें एक बड़ी तादाद शराबी होगी। अगर घर में कोई शराबी हो तो माँ बहने भी बच बच के रहती है, बेटियां माँ बहने उस शराबी से बच कर रहती है कि इसने नशा किया हुआ है, ना जाने किसकी हुरमत पामाल करे। सलाम हो आले नबी पर, ऐसे माहौल में अली की बेटी को ले जा रहे जो जहां बैठा है अपनी आवाज को आजाद करेगा। अल्लाह आपका ये रोना कबूल फरमाए, अल्लाह आपका ये गुस्सा कबूल करे। तो जिस वक्त दरबारे शाम में ले जाया जा रहा था, मेहमानों को बिठाया जा रहा था, तो उस वक्त जब आकर आवाज दी ना कि आप असीरों को लेकर आओ, तो जनाबे ज़ैनब ने फरमाया, मैं इस दरबार में नहीं जाऊंगा। पहली मरतबा अली की बेटी ने जलाल दिखाया। पूरे सफर में एक मरतबा जनाबे ज़ैनब ने अपना जलाल दिखाया। फरमाया, मैं इस दरबार में नहीं जाऊंगी, मुझसे बयान नहीं होगा, आप इशारों में मुझसे सुन लीजिए। जब जनाबे ज़ैनब ने फरमाया मैं इस दरबार में नहीं जाऊंगी, तो चार ताजियाना लिए जालिम आ गया और जनाबे ज़ैनब के ऊपर हाथ उठने लगा। मख्तल का बड़ा अजीब जुमला है कि जनाबे ज़ैनब के शानों पर ताजियाने मारे गए, जनाबे ज़ैनब का बदन जख्मी हो गया और कुछ लोगों ने इरादा किया कि खींच के लेके जाए। उस वक्त अली की बेटी से रहा दे गया तो एक आवाज देकर कहा, उस पर खामोश हो जाओ। तो जैसे ही बीवी ने आवाज दी ना, खामोश हो जाओ, तो मक्तल का जुमला यह है कि जिस ऊंट ने पैर उठाया वाला उसका पैर उठाता उठाया गया, जिस घोड़े ने पैर उठाया वाला उसका पैर उठाया गया। लोगों के दम सीनों में घुट गए,
अजीब मंजर बनाकर, अजीब मंजर बना शाम के बाजार में दरबार के साथ। इमाम सज्जाद ने मंजर देखा कि खुबी ने विलायत तकवीनी का ऐलान किया, मेरी मेरी खुबी ज़ैनब कयामत ला रही है, अली की बेटी है, सहरा की बेटी है, नबी की शहीद की नवासी है। बीबी ने जब कहा खामोश, तो ऐसी खामोशी हुई कि सीनों में दम घुटने रह गए, सब एक मरतबा तारी सकता तारी हो गया। तो इमाम सज्जाद ने समझ लिया कि अब कयामत आ रही है, और फौरन आवाज देकर कहा खूबी अम्मा अंत्याल मतुन है रोमान, खूबी अम्मा आपको तो पता था कि क्या होगा, आपको तो बताया गया था ना कि क्या होगा, खूबी अम्मा होश में आ गए। तब ज़ैनब ने कदम उठाया दरबार की तरफ, जब मेरी बीवी ने कदम उठाया तो फिर सबके सांस बहाल हुए, फिर ये पूरी कायनात बहाल हुई। कुछ देर करके जनाब ज़ैनब ने पूरी कायनात को रोक दिया, इसे विलायत तकवीनी कहते हैं। अब ज़ैनब बीवी दरबार में तो आ गई, मगर लोग बैठे हुए थे, अली की बेटी खड़ी हुई थी, आवाज दी गई शेमर को बुलाओ, अजरों को मन अल्लाह थकेंगे नहीं अल्लाह ताला, जो जहां बैठा है अपनी फुर्सत देगा, आवाज दी गई शेमर को बुलाओ। शेमर को बुलाया गया, उसने आवाज देकर कहा आपने मुझे याद किया, यजीद से कहता है आपने मुझे बुलाया। उसने कहा इस जगह खड़े हो जाओ और सारे दरबारियों को बताओ तुमने कर्बला में क्या किया, गुजारिश सुनाओ, गुजारिश रिपोर्ट सुनाओ, क्या किया है तुमने कर्बला में। शेमर खड़ा हो गया, हमने हुसैन के असहाब को मारा, हमने हुसैन के हबीब को मारा, हमने हुसैन के ज़ुहैर खैर को मारा, जो दूर दूर से हुसैन के सरदार असहाब आए थे, बड़े बड़े कबीलों के सरदार आए थे हुसैन की मदद करने के लिए, हमने कर्बला में उन्हें मार दिया। जब हमने उन सबको मार दिया, फिर हमने हुसैन के कासिम को मारा, फिर हमने हुसैन के उमर मोहम्मद को मारा, फिर हमने हुसैन के अली अकबर को मारा, फिर हमने हुसैन के अब्बास के बाजू काट के मारा। ये कहता रहा कहने लगा, फिर हम हुसैन, हमने हुसैन के अली असगर को मारा। ये कहकर कहता है फिर हुसैन अकेले रह गए, हमने हुसैन को प्यासा करके मारा, हमने हुसैन को तनहा करके मारा। बस जैसे ही उसने इमाम हुसैन के लिए जुमला कहा ना, हमने हुसैन को तनहा करके मारा, बीवियों के हलके से जनाब ज़ैनब की आवाज आई, बीवियों के हलके से जनाब ज़ैनब की आवाज आई, और फौरन अय्यो हलकाते फेब्रोल काते झूठे और झूठे की औरा। सबने मुड़कर देखा ये कौन है, बताया कि अली की बेटी ज़ैनब है, ये हुसैन की बेहद ज़ैनब है। एक शख्स ने आवाज देकर कहा इन्हें बोलने का मौका दिया जाए, ये हुसैन की बहन को बोलने का मौका दिया जाए, छकेंगे नहीं अल्लाह ताला। जनाबे ज़ैनब को बाहर लाने के लिए सिपाही आगे बढ़े, जनाबे फिरदा ने आगे बढ़कर कहा खबरदार मैं ज़ैनब के करीब किसी को नहीं आने दूंगे। तो वहां जो सिपाही देने गए थे उनमें से एक ने जनाबे फिरदा को ताज़िया रखा, जनाब फिजा जनाब ज़हरा की गदीर जो रसूलुल्लाह ने जनाब ज़हरा को दी थी, जब उन्हें ताज़ियाना लगा तो उन्होंने यज़ीद के अहम में खड़े हुए हबशी गुलामों से कहा तुम्हारी ग़ैरत को क्या हुआ, तुम्हारे कबीले की औरत पे हाथ उठाया गया, तुम खड़े तमाशाई बने देख रहे हो। हज़रत फिजा हबशन थी ना, हबश की रहने वाली थी, बीवी ने फरमाया तुम्हारे कबीले की औरत पे हाथ उठाया जाना है और तुम खड़े देख रहे हो। तो जैसे ही जनाब फिजा ने ये जुमला कहा ना, तलवारें निकलना शुरू, हबशी गुलामों ने तलवारें निकालना शुरू की, और यज़ीद को आवाज देकर कहा यज़ीद खबरदार इन्हें रोक ले, ये हमारे कबीले की औरत है, हमारे सामने से ना मारा जाए। सुन लिया आपने, जनाब ज़ैनब ने मदीने का रुख किया, कोई नहीं है दरबार में
कहा गया ज़ैनब वहीं से बात करो, जनाबे ज़ैनब ने वही बीवियों के हल्के से खुतबा दिया और तारीखी खुतबा है जो जनाबे ज़ैनब ने दिया है, तारीखी खुतबा है जनाबे ज़ैनब ने दिया। बीवी फरमाती है ये झूठ बोल रहा है, इतने लोग मारे मेरे प्यासे भाई ने इतने लोग मारे ये कह रहा है ना मेरे भाई को तन्हा करके मारा मेरे भाई ने कूफे में कोई घर नहीं छोड़ा जहां जनाजा ना भेजा मेरे अकेले भाई ने इतने लोग मारे ये कह रहा है आसानी से मार दिया मेरे भाई को इन्होंने आसानी से नहीं मारा। हमने हुसैन का कासिम माना तो हम समझे अब बैत कर लेंगे, हुसैन के दोनों मोहम्मद बाहर आ गए, हमने हुसैन के भांजे मार दिए तो हम ये समझे अब बैत कर लेंगे, हुसैन का वलीयत बाहर आ गया, हमने हुसैन का अली अकबर मारा हम समझे आप कहेंगे कि मुझे यजीद के पास ले जाओ मैं बयान कर रहा हूं, हुसैन का अब्बास सामने आ गया, जब हुसैन के पास सारे मारे गए तो हुसैन अली अकबर को ले आए, और जब हमने अली अकबर को मार दिया तो कहा मेरे लिए मैं जहां तक चला, हुसैन को मारना इतना आसान नहीं था, हुसैन दिलों पर दिल बांध कर आए थे, हुसैन का एक दिल तोड़ते थे दूसरा दिल जवान हो जाता था, हुसैन को मारना इतना आसान नहीं था, ये तो आखिर में खुद हुसैन ने चाहा, ये तो आखिर में खुद हुसैन ने चाहा कि मैं दुनिया से चला जाऊं, तो हुसैन पर हमने तलवारें बरसाई, हमने नेजे मारे, हुसैन पे तो जब खंजर चल रहा था तो हुसैन अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहा था, हुसैन का तो हाल आलम ये था, एक मरतबा माहौल दरबार का बदलने लगा तो यजीद ने बात काटते हुए कहा ज़ैनब बताओ सबसे बड़ी मुसीबत तुमने क्या देखी, मैं मजलिस मुकम्मल कर रहा हूँ आखिरी जुमला सुना रहा हूँ जनाबे ज़ैनब का, जनाबे ज़ैनब का दरबार में यजीद से मुकालमा सुना रहा हूँ आपको, कहने लगा ज़ैनब बताओ सबसे बड़ी मुसीबत तुमने क्या देखी, शायद ये सोच रहा था कि बीवी फरमाएगी अली अकबर की शहादत और मोहम्मद की शहादत, कासिम का मामा बादशाह, अब्बास के कटे हुए बापू, हुसैन भाई के बदन पे दौड़ते हुए घोड़े, कहने लगा ज़ैनब बताओ सबसे बड़ी मुसीबत तुमने क्या देखी, तो जनाबे ज़ैनब ने फरमाया ज़ैनब पर सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि तुझ जैसे से बात कर रहा है, कहां अली की बेटी है, कहां नबी की आवासी है, कहां यजीद से कहा अल्लाह अल्लाह अल्लाह।